हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो हम लोग रेडी हो गए हैं स्कूल के लिए और आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आंख के देखते हैं और पापा मशवरा दे रहे हैं कि सो जाओ। देखें अब क्या होता है स्कूल में। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे और अभी मैं पीऊँगी अपनी चाय। बुशरा रेडी हो रही है, फिर वो अपने खाएगी मीठे। आपको पता है कि टाइफाइड की वजह से वो मीठे खा रही है। अभी तक उसका फीवर कम नहीं हुआ, पता नहीं क्यों उसका फीवर कम होता है और फिर उसको फीवर हो जाता है। तो बस चाय पीते हैं और फिर चलते हैं स्कूल। पापा बुशरा ने मीठे खा लिए हैं, अब वो नेल पेंट लगा रही है। बुशरा माशाल्लाह, बुशरा के नेल बहुत प्यारे हैं। अभी है छुट्टी का वक्त और सब बच्चे जा चुके हैं। आप पीछे स्क्रीन चेक कर सकते हैं, पूरा खाली है। सिर्फ हम लोग ही हैं ऊपर, जो एक दो टीचर्स थी वो भी नीचे जा चुकी हैं। तो हम भी नीचे चलते हैं, जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये मैडम भी आई हुई हैं आज हमारे घर पे। स्कूल से आकर मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ाया और फिर मैं बिज़ी हो गई थी और अब ये मैडम आई हुई है। तो अब आज जो है इसके लिए मैं बनाने लगी हूँ चिकन रोल। तो ज़्यादा ना हो रो, इसके लिए नहीं बना रही आज, हमारा खुद का दिल कर रहा। तो अब हम चिकन रोल बनाते हैं और उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चिकन रोल बनाने के लिए मैंने ले लिया है मैदा और मैदे में मैं डाल रही हूँ 2.5 चम्मच चीनी। चीनी और जो है वो बहुत अच्छी लगती है मैदे में, मतलब पूरी में पता भी नहीं चलता। और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। नमक आपने डालना है हसबे जायका, जितना आप लोग खाते हैं। मुझे नमक का अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए मैं अपने हिसाब से डालती रहती हूँ। और फिर मैंने डाल दिए थे इसमें 2.5 चम्मच ऑयल के। ऑयल से जो है आटा बहुत अच्छा गूंदा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये पूड़ियों का आटा था इस वजह से इसमें ऑयल डालना भी ज़रूरी था। फिर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद जो है मैं इसे पानी डालकर अच्छी तरह से गूंद लूँगी। तो जब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया जग में और फिर इसे अच्छी तरह से गूंद दिया। आटा आपने तब तक गूंदना है जब तक उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो शाइनी सी और बिल्कुल इक्वल टोन में ना हो जाए तब तक, क्योंकि अगर जितना अच्छा आटा गूंदा होगा आपका उतनी ही अच्छी पूरी बनेगी। इसीलिए आपने आटा जो है कम से कम चिकन रोल बनाने से 3-4 घंटे पहले गूंदना है। और फिर गूंद कर उसे बेशक आप फ्रिज में रख दें, अगर मौसम अच्छा है तो बेशक आप उसे बाहर ही छोड़ दें, लेकिन आटा आपने काफ़ी देर पहले गूंदना है ताकि जब आप पूरी बनाएं तो वो पूरी जो है वो अच्छी तरह फूले आपकी पूरी। क्योंकि अगर पूरी जो है वो फूलेगी नहीं तो कड़क हो जाएगी या बहुत सौगी सौगी सी बनेगी, तो उसका मज़ा नहीं आता। तो बस फिर मैंने आटा गूंदने के बाद जो है इसे एक कंटेनर में निकाल लिया। और कंटेनर में निकालने के बाद मैंने चिकन लिया। चिकन जो है मैंने एक पान लिया था, मतलब चेस्ट पीस था ये। इसको फिर मैंने छोटे छोटे पीसेस में अच्छी तरह से कट कर लिया। और फिर मैंने 4 टमाटर लिए और उन टमाटर को अच्छी तरह से चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद मैंने एक लहसुन लिया, इसमें से मैं आधा लहसुन इस्तेमाल करूंगी। मैंने आधा लहसुन छीलने के लिए अलग कर लिया था। फिर मुझे याद आया कि मैं चिकन में सोया सॉस और सिरका डालना भूल गई हूँ। फिर मैंने एक स्पून लिया और मैंने एक स्पून भर के सोया सॉस का डाल दिया। एक स्पून डालने के बाद मुझे
फील हुआ कि थोड़ा सा और डालना चाहिए, तो मैंने 2 स्पून सोया सॉस के डाल दिए। फिर मैंने इसमें सिरका ऐड किया, सिरके की 2 चम्मच मैंने ऐड की थी इसमें ताकि थोड़ा खटास वाला टेस्ट आए। और जब मैंने ये ऐड कर लिया, इसके बाद मैंने हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मैंने कोई ग्लव्स यूज़ नहीं किए थे क्योंकि घर में कोई भी काम करते वक्त ग्लव्स तो यूज़ करता नहीं है। बहुत ही देसी और साफ़ सुथरे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया। फिर मैंने वो जो लहसुन अलग किया था उसे अच्छी तरह चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद वो लहसुन मैंने चट्टू अट्टे में डालकर, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं इसे लेकिन हमारे घर में तो इसे चट्टू अट्टा बोलते हैं, तो इस चट्टू अट्टे में डालकर अच्छी तरह से पीस लिया। इसके बाद मैंने एक देचकी ले ली और उस देचकी में 2 चम्मच बड़े वाले ऑयल के डाले, और ऑयल डालने के बाद जब ऑयल गर्म हो गया तो उसमें पिसा हुआ लहसुन डाल दिया और उसको अच्छी तरह से भून लिया। और तब तक भुना जब तक कि वो ब्राउन नहीं हो गया, हल्का सा जब कलर इसका चेंज हो जाता है, आई थिंक 30 सेकेंड्स में, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स में इसका कलर चेंज हो जाता है। तो जैसे ही मैंने लहसुन भून लिया उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए। टमाटर ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली। हल्दी डालने के बाद मैंने इसमें 1/2 चम्मच जो है वो दादर मिर्च की डाली। दादर मिर्च जो कुटी हुई मिर्च होती है उसे कहते हैं। इसे डालने के बाद मैंने हस्बे जायका नमक इसमें ऐड कर दिया। इसके अलावा मैंने और कोई मसाला ऐड नहीं किया। और आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं अगर कुछ और ऐड करना चाहें। इसके बाद मैंने इसमें चिकन, जब अच्छी तरह भुन गया मसाला तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। चिकन ऐड करने के बाद अच्छी तरह मैंने उस चिकन को मसाले में मिक्स कर लिया ताकि मसाला पूरे चिकन को अच्छी तरह से लग जाए। और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। जब चिकन अच्छी तरह से गल गया, अच्छी तरह से मैंने उसकी भुनाई कर ली। जब इस तरह से हो जाए कि चिकन का ऑयल ऊपर आ जाए और चिकन नीचे लगने लग जाए तो समझ जाएं कि चिकन रेडी है। जब चिकन रेडी हो गया तो मैंने उसे एक कंटेनर में निकाल लिया। फिर आटा भी रेडी हो चुका था इसीलिए मैंने जल्दी से चिकन को साइड पे रखा और पेड़े बनाने शुरू कर दिए क्योंकि पूरी भी मैंने बनानी थी। और देखें आटा कितने अच्छी तरह से गूंदा गया था कि बिल्कुल वो शाइनी शाइनी सा लग रहा था। और फिर जल्दी जल्दी मैंने पेड़े रेडी कर लिए। इस साइज़ के पेड़े आप सब ने रेडी करने हैं। पेड़े बनाते हुए मुझे याद आया कि मैंने प्याज तो कट ही नहीं किया, तो मैंने ऐसे 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए और अब मैं इसे चॉप कर लूँगी। चॉप नहीं करूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर लूँगी लंबा लंबा, ताकि आपको रोल में वो जब क्रंची सा टेस्ट आएगा तो अच्छा लगेगा। फिर ठंडा पानी लिया और उस ठंडे पानी में इस प्याज को भिगो दिया क्योंकि ये पर्पल प्याज है। पर्पल प्याज बहुत ज़्यादा कड़वा होता है तो पानी में भिगोने से इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मैंने दही ले लिया और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा नूरपुर दूध ऐड किया क्योंकि इतना ज़्यादा गाढ़ा रायता हमारे घर में पसंद नहीं किया जाता, और दूध डालने से उसमें थोड़ा सा क्रीमी सा टेस्ट आ जाता है। और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया। चाट मसाला ऐड करने के बाद मेरी मम्मा ने ग्रीन चटनी बनाई हुई थी, उस ग्रीन चटनी की मैंने 2 स्पून्स जो हैं वो ऐड की। इस ग्रीन चटनी में धनिया, पुदीना, लहसुन और पता नहीं क्या क्या ऐड है। बहुत मज़े की चटनी है। इसकी रेसिपी भी किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि मैं नमक के बारे में किस तरह से बताऊं। नमक डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दी और फिर इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। जब तक वो उसका ग्रीन सा कलर नहीं आ गया तब तक मैं मिक्स करती रही। और ये देखें रायता भी तैयार हो गया है। रायता तैयार करने के बाद सबसे पहले मैंने तवा रखा क्योंकि मेरे पापा चपाती खाते हैं, तो मैंने सबसे पहले उनके लिए एक चपाती बनाई और सबसे पहले पापा की चपाती पे रोल बनाकर उनको दिया।
सबसे पहले मैंने रोल बनाने के लिए ये सब चीज़ें रेडी करके रख ली थी। फिर मैंने चपाती के ऊपर रायता लगाया। रायता अच्छी तरह लगाने के बाद इसमें मैंने प्याज ऐड किए, और प्याज ऐड करने के बाद मैंने इसमें चिकन की फिलिंग कर दी, जो चिकन मैंने बनाया था। पहली बार इस तरह से मैंने वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। जब मैंने ये चिकन ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने इसे रोल कर दिया और साथ में साइड पे मैंने थोड़ा सा रायता डाल दिया और पापा को दे दिया, तो बहुत ही मज़े का बना था। उसके बाद मैंने एक पैन लिया और उसमें ऑयल डालकर उसे चूल्हे पे रख दिया ताकि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए। जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने उसमें पूरियां तलनी शुरू कर दी। ये देखें, मैंने क्योंकि आटा काफ़ी देर पहले गूंदा था तो मेरी पूरी अच्छी तरह से फूल रही थी, देखें। और आपने ज़्यादा देर पूरी को जो है वो फ्राई नहीं करना, वरना आपकी पूरी करक हो जाएगी, और करक पूरी रोल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो टूटने लग जाती है तो फिर वो वाला टेस्ट ही नहीं आता। ये देखें मेरी पूरी कितनी मज़े की बन रही थी, और पूरी के ऊपर जब लाइट पिंक सा कलर आने लग जाता है ना, रेड सा, तब आपने पूरी को बाहर निकाल लेना। इसी तरह मैंने सब पूरियाँ फ्राई कर ली, और फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जो है मतलब तकरीबन सारी ही पूरियाँ मैंने फ्राई कर ली थी। ये थोड़ा मैंने क्लोज़अप भी बना कर आपको दिखा दिया। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था इसीलिए मुझे पूरी डालते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता था, लग रहा था। तो ये देखें कितने मज़े की पूरी बन रही है मेरी। हमारा पैन बहुत छोटा है तो इस वजह से शायद पूरी का साइज़ बहुत बड़ा हो गया था। फिर मैंने पूरी के ऊपर थोड़ा सा रायता डाला। रायता डालने के बाद इसको भी सेम उसी तरह से इसकी भी फिलिंग की। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज ऐड किया। प्याज ऐड करने के बाद मैंने इसमें चिकन की फिलिंग कर दी, और देखें कलर कितना प्यारा लग रहा है, और बना भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर मैंने इसे रोल कर दिया और साथ में थोड़ा सा साइड पे रायता डाल दिया, और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी थी। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।